नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा सहित विंध्य क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने बड़ी सौगात दी है। अब गंभीर बीमारियों के लिए निःशुल्क इलाज कराने पूर्व सैनिकों को नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि रीवा में ही उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पूर्व सैनिकों के लिए अलग से काउंटर तैयार कर दिया गया है। इसे जल्द ही शुरू करने की योजना है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शुभारंभ के बाद इसका लाभ पूर्व सैनिकों को मिलने लगेगा। आपको बता दें कि अभी तक पूर्व सैनिकों को आमजन की तरह लाइन में लगकर इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी में पर्ची कटाना पड़ता था, लेकिन अब यहां एक अलग काउंटर बना दिया गया है जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। मैं आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों के लिए तैयार एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS के तहत निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इस स्कीम के तहत एक अलग काउंटर तैयार करा दिया गया है, जिसमें पूर्व सैनिकों को जानकारी देने बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। बताया गया कि इस स्कीम के तहत निःशुल्क इलाज जिस प्रकार से पूर्व सैनिकों को आर्मी अस्पतालों में मिलता था, ठीक उसी प्रकार से अब रीवा सुपर स्पेशलिटी में मिलेगा। मैं आपको बता दें, रीवा में अभी तक पूर्व सैनिकों के उपचार की सुविधा के नाम पर बोदाबाग में एक रेफर सेंटर है, जहां छोटी मोटी बीमारी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन गंभीर बीमारी के लिए मरीजों को रेफर कर दिया जाता था। लेकिन अब रीवा सुपर स्पेशलिटी में सुविधा मिलने के बाद पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलेगी। गंभीर बीमारियों के लिए भी बाहर के आर्मी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा, निःशुल्क उपचार रीवा में ही मिलेगा। आर्मी अस्पताल को लेकर अभी तक रीवा का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन अब रीवा का नाम भी आर्मी अस्पताल के लिए लिया जाएगा। यहां भी मरीज अन्य जगहों से रेफर होकर आ सकेंगे। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस सुविधा के शुरू होने से पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसे इसी माह शुरू करने की बात कही जा रही है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS के तहत पूर्व सैनिकों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। जल्द ही इसे शुरू किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई है, क्या उद्देश्य है? अब ये एक हेल्थ स्कीम है, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। तो अभी वर्तमान में यहाँ बोदाबाग में एक उनकी पॉलीक्लिनिक चलती है, जिसमें वो लोग डिस्पेंसरी जैसा आएगा, लेकिन अगर उनको इन हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ गया, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई, तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक से भेज दिया जाता। तो उनकी इस फैसिलिटी को हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल है जबलपुर में या अन्य कोई मिलिट्री हॉस्पिटल में जाना होता है, उसकी बजाय वो इस हम जो सर्विस है हमारे कॉलेज में देना चाहते हैं। तो अभी वर्तमान में हम लोगों ने एक काउंटर खोला हैगा इसमें सुपर स्पेशलिटी में। तो जो इन हॉस्पिटल फैसिलिटी है, तो इस ECHS स्कीम के तहत अब जो है एक्स मिलिट्री पर्सनल को भी मिल जाएगी। ऐसा हम लोगों ने MOU किया हैगा मिलिट्री वालों से। ये पहला है देश का कि हम लोगों ने इसको इम्पैनल किया है। उनके कई इम्पैनल हॉस्पिटल होते हैंगे, तो ये हमारा पहला सरकारी हॉस्पिटल है। मुख्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे जबलपुर में कुछ प्राइवेट वो इम्पैनल होते हैं। तो ये पहला हमारा देश का है जो हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की और हम सफल हो गए। तो ये पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसमें उनको सुपर स्पेशलिटी की और बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। कब से सर लगभग चालू होने के लिए? हाँ, ये कुछ ही दिनों में विद इन ए वीक हम स्टार्ट कर देंगे इसको।